साथियों, जहां जेएलएम एक तरफ जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके बड़े बड़े चेहरे जो है पीठ में छुरा घोंपने का भी काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा किस तरह से रिजवान अंसारी जी ने जो है जेएलएम पार्टी को छोड़ करके जेएमएम में चले गए, उसी तरह यहाँ बागमारा विधानसभा में भी टिकट बंटवारे को लेकर के नाराजगी साफ दिख रही थी। और अब नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि जो दीपक रवानी जो यहाँ के कैंडिडेट है जेएलकेएम की तरफ से, उनके प्रचार में वो लोग सही से आ नहीं रहे, उनके प्रचार में तो आ ही नहीं रहे, साथ ही साथ दूसरे पार्टियों के प्रचार में खबरें आ रही है कि वो दूसरों पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी दे दिया है बागमारा के तीन प्रमुख चेहरों को। एक तो प्रदीप माथुर जी को नोटिस मिला है जो कि केंद्रीय टीम का जो हिस्सा थे जेएलकेएम का, दूसरा महानंद माथुर और तीसरा अशोक माथुर। तो ऐसे में अगर बड़े बड़े चेहरे अगर पीछे हट जाएंगे तो बागमारा फतह करना जेएलकेएम के लिए आसानी नहीं होगा। मेरा तो साफ मानना है कि अगर आप झारखंड का हित चाहते हैं, झारखंड के लोगों का हित चाहते हैं, यहाँ के मूल निवासियों के हम विस्थापितों का, बेरोजगारों का, भाषा का, माटी का विकास चाहते हैं, तो फिर आप अपने आपसी मतभेद भुला करके उसे बाद के लिए रखिए कि जो गलती हुई है पार्टी की तरफ से उसे बाद में आखिर कैसे सुधारा जा सकता है उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल झारखंडियों के हित की बात होनी चाहिए। अभी फिलहाल जिस मकसद से ये पार्टी बनी थी उस मकसद को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, जोहार जोहार।